लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में हुए मतदान में कम वोटिंग ने दिग्गजों की चिंता बढ़ा दी है। मतदान प्रतिशत घटने से भाजपा घबराई सी दिख रही है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक और कार्यकर्ता से लेकर संगठन तक में अब किस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर मतदाता वोट करने क्यों नहीं निकल रहे हैं। कम मतदान की सूचना मिलते ही भाजपा अलर्ट मोड में आ गई है। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर मोहन सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने कई भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में विधानसभा वार मतदान के आंकड़े एकत्र करने को लेकर रणनीति बनाई गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी शनिवार रात को भाजपा कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। पहले और दूसरे चरण के लिए हुए मतदान में वोटों के डेटा पर विश्लेषण करेंगे। आपको बता दें कि खुद वीडी शर्मा जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर खजुराहो में 56.97% मतदान हुआ है, जबकि वहां पर उनके सामने ना कांग्रेस प्रत्याशी था ना ही समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी मौजूद था।